अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होपफुली यू विल बी फाइन एंड एंजॉयिंग वेल एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम फेज थ्री की जो लैपटॉप सेरेमनी होनी थी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, वो तकरीबन आलमोस्ट सब यूनिवर्सिटीज़ में मुकम्मल हो चुकी हैं। कुछ इक्का दुक्का यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अभी होनी बाकी होगी, लेकिन जो स्टूडेंट्स जिनको सिलेक्ट किया गया इस लैपटॉप स्कीम के लिए, इस सेरेमनी के लिए लैपटॉप स्कीम की जो कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हुई, उनकी अपनी यूनिवर्सिटी में उनको लैपटॉप भी मिल चुके हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो कि सिलेक्टेड थे लेकिन उनको सेरेमनी के अंदर नहीं बुलाया गया, तो उनको लैपटॉप कब मिलेंगे? तो इस हवाले से ख़बर ये है कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे, जो कि यूनिवर्सिटी ने सिलेक्ट करके एचईसी को लिस्टें भेजी थी, एचईसी ने फिर एक फ़ाइनल लिस्ट दोबारा यूनिवर्सिटीज़ को भेजी है, तो यूनिवर्सिटीज़ ने जो 4x4 वाले स्टूडेंट्स थे उनको इतला दी, उनको सेरेमनी के अंदर बुलाया। जो बाकी बचते थे स्टूडेंट्स उनकी लिस्टें भी यूनिवर्सिटी के पास मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी अब अपने लिहाज से, अपने मुताबिक, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से कॉन्टेक्ट करके या मुतलिफ पॉलिसी के मुताबिक या अपने तौर तरीके से यूनिवर्सिटी के मुतलिफ डिपार्टमेंट्स में इस लिस्ट को शाया करेगी, लिस्ट को अवेयरनेस के लिए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, अपने सोशल अकाउंट्स के ऊपर शेयर करेगी। तो इस हवाले से ख़बर ये है कि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, उन सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के अलावा जिनको सेरेमनी के अंदर लैपटॉप मिल चुका है, कि यूनिवर्सिटी के पास लिस्टें मौजूद हैं। अब यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कब वो इन लिस्टों को शाया करती है, पब्लिश करती है, अपने सोशल अकाउंट्स के ऊपर शेयर करती है, और आपके जो मुतालिका डिपार्टमेंट है उस तक कब तक पहुँचाती है। तो जो लैपटॉप की डिस्ट्रीब्यूशन है इन स्टूडेंट्स के लिए, वो कब होगी, किस तरह से होगी, तो ये यूनिवर्सिटी अपने लिहाज से करेगी। हो सकता है कि एक ही दिन तमाम जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको लैपटॉप मिल जाएं, या हो सकता है हर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को उन्हीं के डिपार्टमेंट के अंदर लैपटॉप मिले, या हो सकता है कि मुख्तलिफ डेट को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट को लैपटॉप मिले। बहरहाल ये तमाम जो कार्रवाई है ये यूनिवर्सिटी अपने तौर तरीके के मुताबिक करेगी। लेकिन जो लैपटॉप्स हैं, लैपटॉप के ट्रक, लैपटॉप की खेपें, वो हर यूनिवर्सिटी के कोटे के मुताबिक उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पहुंच रही हैं, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह 14 अगस्त के फौरन बाद ही तमाम जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उन तक ये लैपटॉप पहुंचना, उनको लैपटॉप मिलना शुरू हो जाएंगे। और जो वेटिंग के अंदर स्टूडेंट्स थे, एक नोटिफिकेशन बहुत गर्दिश कर रहा था जिसके अंदर चेयरमैन एचईसी डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब की तरफ से ये अनाउंसमेंट थी कि जो वेटिंग के अंदर स्टूडेंट्स हैं उन वेटिंग वाले स्टूडेंट में से 80% जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी लैपटॉप मिलेगा। उसका जो मरहला है वो तकरीबन अक्टूबर के अंदर शुरू होगा, और उस अक्टूबर के अंदर जो मरहला शुरू होना है उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। जो रजिस्ट्रेशन पहले हो चुकी हैं, अप्लाई हो चुका है, उसी के जो वेटिंग वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको 80% को लैपटॉप मिलेगा। अब हो सकता है कि वो लैपटॉप उनको मिले या ना मिले, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई है, असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं, तमाम जो सेटअप था वो मुकम्मल तब्दील हो चुका है। तो वेटिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जिन 80% स्टूडेंट्स को लैपटॉप मिलना था, अब उनकी उम्मीदें तो बाकी नहीं रहीं, लेकिन जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे उनको लैपटॉप इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा, और ये लैपटॉप इंशाल्लाह 14 अगस्त के फौरन बाद ही मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि एचईसी ने जो लैपटॉप्स की खेपें हैं, ट्रक हैं, वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के कोटे के मुताबिक पहुँचाना शुरू कर दिए हैं। जैसे ही डिलीवर हो जाएंगे लैपटॉप्स तो यूनिवर्सिटी फिर अपने तरीके के मुताबिक, अपनी पॉलिसी के मुताबिक और अपने जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको अनाउंस करके, उनको इतला देकर फिर उनको अपने पास बुलवा कर उनकी लैपटॉप्स जो सेरेमनी है अपने डिपार्टमेंट के अंदर करवाएं, या जिस तरह से भी करवाएंगे उनको लैपटॉप मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद ही होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब। शुक्रिया।